नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। किशोर टेक सपोर्ट चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है सेंसुई 14 इंच का CRT टीवी हमारे पास रिपेयर होने के लिए आया है, जो कि उसमें पिक्चर सब सही है, लेकिन पिक्चर में कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है, यानी कि आर्किंग आ रहा है और ना ही उसमें ऑडियो आ रहा है। तो देखिए चलते इसमें क्या प्रॉब्लम है, सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप फ्रेंड दिखाऊंगा। तो वीडियो में आगे बने रहेंगे, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू फ्रेंड। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हो, ये सेंसुई कंपनी का CRT टीवी है। इसमें बहुत ही आर्किंग आ रहा है, आप देख सकते हो इसमें, और ना ही इसमें आवाज़ है। तो आप देख सको आवाज़ हमारा फोटी पड़ा है, और ये डिश टीवी का भी हमारा फुल बड़ा है। तो इसमें आर्किंग भी है, आवाज़ भी नहीं है, आवाज़ का सॉकेट भी हमारा बिल्कुल सही तरह से यहाँ पे दिया हुआ है, और ये इसका PCB है। ये ऑडियो वीडियो सर्किट कंप्लीट आ रहा है। तो इसको आखिर कैसे ठीक किया जाए, तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसकी कुछ बेसिक सप्लाई चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप फ्रेंड। सबसे पहले हम लोग 110 की सप्लाई चेक करेंगे। तो आप देख सकते हो कि 111.3 वोल्ट बिल्कुल ये परफेक्ट आ रहा है। फिर नेक्स्ट सप्लाई हमारी रहेगी ड्राइवर के लिए, ड्राइवर ट्रांसफार्मर को रन के लिए ओरिजिनल 25 वोल्ट बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। फिर हमारा 5 वोल्ट 8 वोल्ट रन करने के लिए जो 12 वोल्ट रहती है, ये भी हमारा परफेक्ट सप्लाई आ रही है। और ऑडियो नहीं आ रहा, तो पहले हम लोग साउंड का भी सप्लाई चेक करेंगे। तो ये भी सही आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आप देख सकते हो मीटर में। और कुछ हमको इसमें नॉइस आवाज़ आ रही है, स्पार्किंग जैसे कि पावर सप्लाई में, और ESD सेक्शन में भी हमको थोड़ा डिस्टर्बेंस का आवाज़ दिख रहा है फ्रेंड्स, नज़र आ रहा है, सुनाई दे रहा है। तो हमने यहाँ पे गौर से देखा तो आप देख सकते हो कि हमारा ये 160 वोल्ट का जो कैपेसिटर है, बिल्कुल तरह से ये फूका हुआ है, और यहाँ पे भी एक कैपेसिटर है जो कि ये भी बिल्कुल तरीके से फूका हुआ है। और पावर सप्लाई में आप देख सकते हो कि ये PFF आप देख सकते हो पूरी तरह से ये फट चुका है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जो जो चीज़ें हमको ख़राब दिख रही है उसी को ही चेंज करेंगे। सबसे पहले PF को, फिर 110 की सप्लाई का फिल्टर, और फिर ये वर्टिकल नहीं लेकिन 12 वोल्ट की सप्लाई का भी है, जो कि यहाँ से जो स्विचिंग होकर जो बनता है उसकी सप्लाई का जो कैपेसिटर है वो भी हम लोग चेंज करेंगे। फिर आगे देखेंगे कि हमारा पिक्चर सही हुआ या नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि हमने पावर सप्लाई का PF चेंज कर दिया है, ये वाला कैपेसिटर भी चेंज कर दिया है, और ये वर्टिकल का था, वर्टिकल की सप्लाई का कैपेसिटर था, ये भी ख़राब हो गया। ये 110 की सप्लाई का भी चेंज कर दिया है, और ये हमारा PF भी हमने चेंज कर दिया। तो इसको आखिर चालू करते हैं कि हमारा ग्राफिक में कुछ क्लियरिटी आया या नहीं आया। ऑडियो का भी हमने यहाँ पे ये कनेक्शन कर दिया है, उसका जैक यहाँ पे बढ़ा है, तो ये भी करते हैं फ्रेंड्स। तो पिक्चर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आ चुका है फ्रेंड्स। इसमें कुछ कैमरा की वजह से बन चालू हो रहा है। आर्किंग सब आप देख सकते हो, यहाँ पर इस टीवी में आर्किंग हट गया है, बिल्कुल परफेक्ट पिक्चर आ चुका है, लेकिन हमारा आवाज़ अभी भी नहीं आ रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि ये हमने स्पीकर का कनेक्शन यहाँ से कनेक्शन करके रखा है, लेकिन अभी भी हमारा आवाज़ नहीं आ रहा है। तो देखते हैं आखिर आवाज़ में हमारा क्या प्रॉब्लम है फ्रेंड्स। सबसे पहले तो हम लोग IC की सप्लाई तो हमने चेक कर लिया है, बिल्कुल परफेक्ट का सप्लाई आ रही है, आप देख सकते हो यहाँ पे हमने कनेक्शन करके रखा है। हमारा ऑडियो ही नहीं आ रहा है फ्रेंड,
स्पीकर में कोई ऑडियो नहीं आ रहा है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे कि ये म्यूट का ट्रांजिस्टर है, इसको ओपन करके देखेंगे। तो फ्रेंड्स, देख सकते हो हमने ये म्यूट का ट्रांजिस्टर है उसको दो लेग ओपन कर दिया है। तो अभी देखते हैं कि हमारा ऑडियो आता है या नहीं आता। ये हमने टीवी को चालू कर दिया है और अभी इसको स्टैंड बाई करेंगे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ स्नो का बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारा आवाज आ चुका है। तो अभी हम लोग यही करेंगे इसको। लक्ष्मी को लेकर हमें जो डर था वो बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारा ये आवाज आ चुका है फ्रेंड्स। लक्ष्मी की सच्चाई। आवाज को हम थोड़ा स्लो कर लेते हैं फ्रेंड्स। पिक्चर भी सही आ चुका है, आवाज भी सही आ चुका है। इसमें हमने ये जो आर्किंग आ रहा था उसके लिए हमने ये तीन दो कैपेसिटर एक पीएफ को चेंज किया है, और आवाज के लिए जो हमारा ये म्यूट का ट्रांजिस्टर खराब था उसका दो लेग हमने ओपन कर दिया है। तो ये टीवी हमारा बिल्कुल पूरी तरह से सक्सेसफुल हो चुका है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इसी तरह का ओरिजिनल जेन्युइन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करके रखें, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो वीडियो देखने के लिए खूब खूब धन्यवाद फ्रेंड, थैंक यू सो मच।